हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं महेंद्र सिंह। आज आपको बताऊंगा पेट्रोल पंप पर ब्रह्मा प्लस में कंप्लेंट कैसे डाली जाती है। पेट्रोल पंप पर यदि किसी प्रकार से कोई मशीन खराब होती है या किसी प्रकार की मशीन में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सही करवाने के लिए ब्रह्मा प्लस पे कंप्लेंट डालनी होती है। तो इससे पहले आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आपको बताता हूँ ई कनेक्ट में ब्रह्मा प्लस में कंप्लेंट कैसे डाली जाती है। लाइव डेमो दिखाने वाला हूँ, तो बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपकी एक एक चीज़ समझ में आए। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हम ई कनेक्ट ओपन कर लिया है और यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे कि हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ई कनेक्ट ओपन हो जाएगा और इधर वो डिटेल में वेलकम टू पेट्रोल पंप का नाम वगैरह सब कुछ आ जाएगा। यहाँ से हमें जाना पड़ेगा माई एप्लीकेशन, माई एप्लीकेशन से फिर नीचे की साइड हमें जाना पड़ेगा ब्रूमा प्लस न्यू कंप्लेन रिमाइंडर, इस पे हमें क्लिक करना होगा। ये अभी ओपन होगा, थोड़ा वेट लग रहा है, समय लग रहा है थोड़ा। देखिए अभी ये ओपन हो गया है, तो अब हमें कंप्लेंट डालना है। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू कंप्लेंट, ये देखिए क्रिएट न्यू कंप्लेंट पे हम क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू कंप्लेंट हमने क्लिक किया तो थोड़ा सा समय लेगा क्योंकि इधर मेरे यहाँ पे नेट की प्रॉब्लम है। क्या है कि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ इसलिए मेरे यहाँ थोड़ी नेट की प्रॉब्लम है, थोड़ा समय लग रहा है। आप वीडियो पे बने रहें। देखिए यहाँ पे ओपन हो गया है, तो अभी हमें सिलेक्ट करना है सिलेक्ट क्यूमेंट टाइप। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो जैसे कि हमें कंप्लेंट डालनी है मशीन की, तो एमपीडी, एमपीडी लिखा है ऊपर, टैंक लिखा है, एमपीडी एसटीपी हमें डालना है मशीन की प्रॉब्लम। मशीन में जैसे हमारी प्रॉब्लम आई है तो हम एमपीडी पे क्लिक करेंगे। हमने एमपीडी पे क्लिक किया, अब नीचे हम सिलेक्ट क्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा मशीन नंबर जाएगा, ये हमने सिलेक्ट कर दिया। मैन कंप्लेन सिलेक्ट, अब यहाँ से हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे हम मैन कंप्लेन करेंगे। इसके बाद सबमिट, सब कंप्लेन में जाएंगे, हम सब कंप्लेन को ओपन करेंगे तो हमारा जैसे हमारे यहाँ डिफेक्टिव नोजल ऑटो कट नहीं हो रहा है हमारा, तो हम यहाँ पे देखेंगे, इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे, नोजल ऑटो कट डिफेक्टिव, डिस्प्ले डिफेक्टिव, ये काफ़ी सारे वो होते हैं, इसमें से सिलेक्ट करना होता है हमें। ये आ गया नोजल बूट डिफेक्टिव, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, इसको जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो देखिए हमारी कंप्लेन और यहाँ पे सेल स्टॉप करेंगे हम। तो क्या है कि अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ इसलिए मैं सेल स्टॉप नहीं करूँगा, वरना आप सेल को यहाँ नीचे वाले को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेल नॉट, सेल स्टॉप ऊपर वाले को सिलेक्ट कर देंगे तो आपकी सेल स्टॉप हो जाएगी। और इधर रीमार्क में आप लिख देंगे नोजल ऑटो ऑटो कट डिफेक्टिव, यानी आपका नोजल नहीं चल रहा है। तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं। और यहाँ पे न्यू कंप्लेन, यहाँ पे लॉट गे पे कर देंगे आप तो यहाँ पे आपकी कंप्लेन सबमिट हो जाएगी और यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा वेंडर का। तो जैसा कि अभी बैक करूँगा मैं और यहाँ से सबमिट करेंगे तो कंप्लेन सबमिट हो जाएगी। उसके बाद 24 घंटे के अंदर आपकी मशीन सही हो जाएगी, यदि मशीन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो मशीन सही हो जाएगी। तो इसको बैक करता हूँ मैं अभी, मैंने अभी भी इसको बैक कर दिया है। अब देखिए फ्रेंड, मैं दोबारा से आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे क्रिएट न्यू कंप्लेंट पे हमें जाना है, इसको इस पर क्लिक करेंगे तो अभी ओपन होगा, थोड़ा समय लग रहा है, मेरे इधर नेट की प्रॉब्लम इसलिए ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। आप वीडियो पे बने रहें क्योंकि ये जो भी पेट्रोल पंप का मैनेजर होता है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए ये ओपन हो गया है, अब यहाँ पे हम करेंगे सिलेक्ट क्यूमेंट टाइप। तो इस पे जैसे हमने अभी सिलेक्ट किया था एमपीडी, तो हमने एमपीडी का
कर दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे सिलेक्ट क्यूमेंट पे जाएंगे, तो इसको हम सिलेक्ट, हमारा मशीन जो MPD है वो मशीन नंबर आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। और मैन कंप्लेन में हम डालेंगे मैन कंप्लेन MPD, मैन कंप्लेन डाल दिया। अब इसमें सब कंप्लेन में डालेंगे हम, जैसे हमारी डिस्प्ले कार्ड खराब हो गया, मान लीजिए जो हम पेट्रोल डालते हैं उस पर अमाउंट लिख के आ गया आता है, जो स्क्रीन रहती है हमारी वो ख़राब हो गई है, तो हम इस पर डाल देंगे डिस्प्ले कार्ड डिफेक्टिव, इसको सिलेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे देखिए अभी ये हमारी कंप्लेंट वेंडर के पास, और यहाँ से हम सेल को स्टॉप कर देंगे। अभी मैं नहीं करूँगा क्योंकि अभी आपको मैं बता रहा हूँ मेरे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं नहीं करूँगा। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए किया था, तो मैं इसको छोड़ दूँगा। आप सेल को स्टॉप कर दीजिए और रीमार्क में आप लिख दीजिए डिस्प्ले डिफेक्टिव प्रॉब्लम, ठीक है ना, या डिस्प्ले कार्ड डिफेक्टिव इशू, ये आप लिख दीजिए और लॉग इट न्यू कंप्लेंट पे क्लिक कर दीजिए, तो आपकी ये कंप्लेंट सबमिट हो जाएगी और 24 घंटे के अंदर आपकी मशीन रिप्लेसमेंट हो जाएगी। तो ब्रोमा प्लस पे ऐसे कंप्लेंट डाली जाती है। और फ्रेंड इधर देखिए ई कनेक्ट में माई एप्लीकेशन में कई सारे ऑप्शन हैं, लेकिन इसमें ओनली कंप्लेंट डालने के लिए ये होता है ब्रोमा न्यू कंप्लेंट रिमाइंडर पे, ब्रोमा प्लस न्यू कंप्लेंट रिमाइंडर, ये कंप्लेंट डालने के लिए होता है। और किसी मतलब वैसे किसी खास नहीं है, बाकी आप अपने इनवॉइस वगैरह ये सारी चीज़ें, GST वगैरह, बिलिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें देख सकते हो। तो ये मेन होता है कंप्लेंट डालने के लिए, यदि किसी प्रकार की मशीन में या किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो इसमें कंप्लेंट डाली जाती है। और वो कंप्लेंट जैसे ही सबमिट होगी आपके कॉन्टैक्ट नंबर यानी जो भी आपका नंबर लिंक होगा उस पर एक मेल आ जाएगा कि आपकी कंप्लेंट सबमिट हो गई है, और 24 से 48 घंटे के अंदर आपकी मशीन को सही कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ब्रोमा प्लस पे कंप्लेंट कैसे डाली जाती है, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपकी समझ आ गई होगी। ब्रोमा प्लस पे जब तक आप कंप्लेंट नहीं डालोगे तब तक आपकी मशीन रिप्लेसमेंट नहीं होगी। जैसे ही आप कंप्लेंट को सबमिट करते हैं तो फौरन आपके जो आपका नंबर लिंक होगा उस पर एक मेल आएगा, और दूसरा मेल आपका कंपनी के पास चला जाएगा। तो वहाँ से 24 घंटे का समय मिलेगा और 24 घंटे के अंदर आपकी जो मशीन है वो रिप्लेसमेंट हो जाएगी। यदि आप कंप्लेंट नहीं करते हो तो आपकी मशीन रिप्लेसमेंट नहीं होगी। तो ज़रूरी होता है कि ब्रोमा प्लस में पहले आपको कंप्लेंट करनी होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।